सो व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट फॉर 10 सीबीएसई एग्जाम्स? भाई बोर्ड देना भी है या नहीं देना है? हमारा रिजल्ट कब आने वाला है? रिजल्ट कैसा आने वाला है? क्या हमारा रिजल्ट डिसाइड करेगा हम साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे? क्या इस रिजल्ट का हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंस है जो हर बार 10th वाले बच्चों के लिए होता है? क्या एग्जाम कैंसिल होना हमारे लिए अच्छा था या नहीं था? ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। ये सब सवाल अगर आपके मन में भी है तो आज मेरा ये वीडियो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का सलूशन दे देगा। डरो मत, मैं हूं ना, आई विल आंसर एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चंस विच आर देयर इन योर माइंड राइट नाउ फॉर 10 सीबीएसई एग्जाम। सो नॉट टू फियर, मोहित इज हियर। सो यस 10th वालों, यार तुम्हारी लाइफ तो अलग ही एडवेंचर पे है। पता नहीं मतलब गजब सा रोलर कोस्टर चल रहा है जिंदगी में। कभी बोलते हैं बोर्ड एग्जाम है, कभी बोलते हैं बोर्ड एग्जाम कैंसिल, कभी बोलते हैं नहीं नहीं ऑब्जेक्टिव्स लेंगे, कभी बोलते हैं ये है। भैया बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में अभी घूम रहे होंगे। अभी लेटेस्ट अपडेट भी कल कुछ आया है। सो आज मैं आपको उन सब चीजों के बारे में एक छोटे से जिस्ट वे में बताने वाला हूँ। ये एक 10 मिनट का वीडियो है जो आपके मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा। और फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में रह जाए, सर बी फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मेरा अगला वीडियो उन सवालों के जवाब भी 100% आपके लिए ढूंढ के लेके आने वाला है। सो आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ भैया कल क्या अपडेट आया था। सो कल का जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो लेके आया है कि आपका जो रिजल्ट नया बनने वाला है वो किस तरह से बनेगा। बच्चा लोग आपका टोटल एग्जाम टोटल मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में 100 पे से मिलते हैं। 100 में से 20 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम्स के होते हैं, इंटरनल असेसमेंट के होते हैं जो आपकी स्कूल आपको प्रोवाइड करती है। बट जो बाकी के 80 मार्क्स है वो अब किस बेसिस पे बनेंगे वो हमारे बोर्ड ने कल हमें क्लैरिफाई किया है। इस तरह से बेसिक क्लैरिफिकेशन रहेगा। 40 मार्क्स जो पहले होंगे वो आपके फर्स्ट एग्जाम्स के होंगे। इट कैन बी प्री बोर्ड, इट कैन बी प्री प्रीलिम्स, डिफाइंड बाई डिफरेंट स्कूल्स। 10% मार्क्स जो होंगे वो आपके यूनिट टेस्ट वगैरह के होंगे। बाकी बचे कुछ 40% मार्क्स जो होंगे वो आपके पोस्ट प्रीलिम्स के रहेंगे और 10% मार्क्स वापस से आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट वगैरह के रहेंगे। सो इस तरह से 40-10 के प्रोपोर्शन में आपको 80 मार्क्स का अलॉटमेंट मिलेगा। अब अगर सपोज किसी के स्कूल में ज्यादा एग्जाम्स लिए गए हो, किसी के स्कूल में नॉर्मल 4 से ज्यादा एग्जाम्स अगर स्कूल वालों ने लिए है तो वो उन पर्टिकुलर एग्जाम को प्रोपोर्शनली डिवाइड करके आपके 80 मार्क्स आपको अलॉट करने वाले हैं। बट इसमें भी वापस एक सवाल खड़े होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आने वाले हैं, बहुत सारे इश्यूज आपके मन में आने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल आपके मन में ही आएगा, सर अगर सपोज करो मैंने स्कूल के 1, 2 या सारे के सारे एग्जाम्स नहीं दिए हो तो क्या? सर डोंट वरी, अगर आपने 1, 2 या एग्जाम्स दिए ही नहीं है तो आपकी स्कूल आपके लिए एक अलग से एग्जाम अरेंज करेगी। इट कैन बी ऑनलाइन एग्जाम, इट कैन बी ऑफलाइन एग्जाम, और उस पर्टिकुलर एग्जाम के बेसिस पे आपके बोर्ड का रिजल्ट बनेगा। ये आपके एक क्वेश्चन का जवाब। दूसरा आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर मैंने तो मेरे स्कूल के एग्जाम्स को बहुत ही लाइटली ले लिया, मैंने तो जैसे तैसे एग्जाम्स दे के आ गया, या सर मैं मेरा 100% मेरे स्कूल के एग्जाम्स में नहीं दे पाया तो अब मैं क्या करूं? सर अब आप रिजल्ट का वेट करो। अगर रिजल्ट आपके हाथ में आ रहा है, आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हो तो डरना क्या भैया, अच्छे मार्क्स से आगे बढ़ो। बट अगर आप नहीं हो तो आप 100% बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम देने के लिए 100% खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि सर क्या इस बार भी वही ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? अगर बाय चांस आप में से कोई फेल हो रहा है या आपको लग रहा है मैं पास नहीं हो पाऊंगा तो क्या बोर्ड का ग्रेस मार्क्स का जो पहले का नॉर्म था क्या वो अभी भी एप्लीकेबल है? यस इट इज एप्लीकेबल। आपको इस बार भी वैसे ही ग्रेस मिलेंगे जो आपको आज तक मिलते रहे हैं। सो ग्रेस मार्क के नॉर्म्स में कोई भी चेंजेस आया नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन आपके मन में ही आएगा, क्या सर हमें बोर्ड एग्जाम देना चाहिए? सर देखिए ऑनेस्टली आपका पूरा का पूरा पर्सनल पर्सनल और एकदम पर्सनल मामला है। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम है, मतलब सर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके 95% मार्क्स आने चाहिए, आपके 75 आए हैं, तो सर यस मेरा रिकमेंडेशन है आपको बोर्ड एग्जाम देना चाहिए। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके 95 आने चाहिए और 90 आ गए तो सर क्यों माथापच्ची कर रहे हो? डजंट मैटर, मार्क्स कभी भी कुछ डिफाइन नहीं करते हैं, आगे बढ़ो, मेरा यही मानना है आगे बढ़ो। सो ये आपका पर्सनल परसेप्शन रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स बहुत कम है तो बोर्ड में जाना, वरना मैं रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी बोर्ड के लिए अप्लाई करे, फालतू इतनी मेहनत करे, इससे अच्छा हम आगे अपने नए सिलेबस पे अपने नई जर्नी पे मेहनत कर सकते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका पर्सनल कॉल रहने वाला है। इसके बाद का क्वेश्चन था सर हमारा रिजल्ट हमें कब मिलेगा? सर रिजल्ट की डेट क्या है? 20th जून
20 जून आपके रिजल्ट की डेट है, 20 जून को आपको अपने बोर्ड के डिफाइंड पैटर्न के हिसाब से डिफाइंड मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। 20 जून को आपको डिसाइड करना है कि भैया सच में 10th खत्म है या 10th बाकी है, क्या हमें वापस से बोर्ड के लिए अप्लाई करना है, ओहो नहीं भैया हम तो डन है हमारा तो बोर्ड खत्म हो गया है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा 20 जून को, 20 जून को आपको ये डिसाइड करने का मौका मिलेगा। यस, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर क्या एग्जाम कैंसिल होना अच्छा था, मतलब वॉज इट गुड फॉर अस कि हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए। सर ऑनेस्टली मैं एक चीज बताऊं, डजंट मैटर्स, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये एग्जाम पैटर्न ही पसंद है, मुझे एग्जाम की कंडीशंस अच्छी नहीं लगती, ये सब होना भी नहीं चाहिए। व्हाई कैन एन एग्जाम डिसाइड योर फ्यूचर, क्यों 3 घंटे आपकी पूरी जिंदगी आपको डिफाइन करके देंगे। मतलब अगर किसी के 95-97 आ गए साइंस मैथ्स में, 10th में अच्छे मार्क्स आ गए तो आप साइंस लेके बैठ जाओगे, नो इट्स नॉट राइट, राइट। सो मेरे हिसाब से एग्जाम हो या नहीं हो आई एम इनडिफरेंट, डजंट मैटर्स। मेरे हिसाब से व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपने जो 10th में सिलेबस था क्या वो कंप्लीट किया, आपने अपना नॉलेज गेनिंग का जो रिसोर्स मटेरियल था क्या वो रिसोर्स मटेरियल आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने सब पढ़ाई अच्छे से की है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, अगर आपका मैथ साइंस का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो सर ये रिजल्ट आना, ये एग्जाम होना, ये सब इनडिफरेंट है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है एग्जाम हो या नहीं हो, रिजल्ट आया या नहीं है। मैंने जो किताब मेरे हाथ में, जो बुक्स मेरे पास थे, जो सिलेबस था, वो सिलेबस का मैंने कोना कोना पढ़ के रखा है। अब कोई एक पेपर पीस, एक पीस ऑफ पेपर, एक रिजल्ट मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। सो सर एग्जाम हो या नहीं हो, ठीक है कभी कभार आपके मन में थोड़ा सा तकलीफ होगा, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं आपको शायद तकलीफ होगी कि यार इतनी मेहनत की एग्जाम कैंसिल होगी, दैट इज नॉट राइट, इट्स ओके एंड फाइन, फाइन चलता रहेगा। और अगर आप एवरेज है आपके मजे हो गए, चलो भैया पढ़ना नहीं पड़ा ऐसे ही पास हो जाएंगे, इट्स अगेन गुड, राइट। बट अगेन आई एम सेइंग यू, इतनी छोटी सी चीज से ना मोटिवेट हो ना डिमोटिवेट हो, डजंट मैटर्स। 10th कोई बड़ा करियर माइलस्टोन नहीं है, ठीक है इट्स गुड आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट 10th के आगे आपकी मेन जिंदगी चालू होगी, साइंस कॉमर्स आर्ट्स का मेन स्ट्रीम, मेन पैटर्न स्टार्ट होगा, तो इसके बाद का जो मेन एलिमेंट है उसको एंजॉय कीजिए। सर आपके इस एग्जाम को लेके मत बैठे रहिए कि एग्जाम कैंसिल हो गए, इसी यार ये एग्जाम कैंसिल होगी, वाओ डजंट मैटर, भूल जाइए, हो गया जो हो गया, आगे की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। सो अब एकदम लास्ट फाइनल क्वेश्चन आपके मन में ये रहेगा कि क्या सर हमारे रिजल्ट से हमें डिफाइन करना चाहिए कि हमारा फ्यूचर क्या होना चाहिए, भैया मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, क्या वो मेरा रिजल्ट मुझे बताएगा? सर नो, अ क्लियर आंसर इज नो 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 एंड नो, आपका रिजल्ट कभी डिफाइन नहीं कर सकता आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट लेंगे, वो आपको पता होता है पहले दिन से, यार आपको पहले दिन से पता है कि मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, साइंस मुझे बहुत पसंद है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, तो सर आप बिंदास आंख बंद करके साइंस लो, भले ही 70% है, 80% है कि 95% है, अगर आपको साइंस पढ़ने में मजा आती है तो आपको साइंस लेना चाहिए। बट अगर आपको साइंस देख के डर लगता है, ना भाई ना, मैथ्स मुझसे नहीं होगा, साइंस तो बहुत टफ है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो नींद आ जाती है मुझे, तो सर भले ही आपके 95% क्यों ना आ जाए रिजल्ट में, फिर भी प्लीज साइंस मत लेना, आप अपने करियर के साथ एक बहुत बड़ा मजाक करोगे। किसी भी तरह से आपका रिजल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, वही काम करो, वही आगे फील्ड सिलेक्ट करो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड को पढ़ने में आपको बहुत मजा आता हो, जिन किताबों को लेके बैठने पे कभी नींद नहीं आती हो, वही फील्ड आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों अच्छा है, तीनों में बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल अब आपको अपने में ढूंढना है कि भैया आपके लिए कौन सी फील्ड बची है, आपको किस फील्ड में ज्यादा मजा आ रहा है। तो कभी भी ये मत सोचना कि रिजल्ट देख के पता लगाएंगे कि साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट लेना है, इनफैक्ट कल आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो एंड होते होते आपके मन में जो थॉट आ रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बना, हाँ ये मेरे लिए है, मुझे वही फील्ड आगे करनी है, फिर भी आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, मुझे पता है, मुझे बहुत सारे बच्चे बहुत सवाल भेजते हैं, कभी व्हाट्सएप पे भेजते हैं, कभी हमारे यूट्यूब में कमेंट में लिखते हैं, कभी मुझे पर्सनल लेवल पे मैसेज करते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो के बाद में पूरा डिफरेंट सेगमेंट का एक वीडियो रेडी किया है जो सिर्फ 10th वाले बच्चों के लिए है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव थोड़ा क्लियर होगा, आपको साइंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कॉमर्स आपके लिए है या आर्ट्स आपके लिए है, वो चीजें मैं आपको अगले वीडियो में पूरा क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं उस वीडियो को इतना डिटेल लेवल पे बनाऊंगा, फिर भी बहुत कम टाइम में कवर करूंगा, जिससे सच में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए प्लीज कोशिश करिएगा कि यस इट्स ओके एंड फाइन, जो होना था हो गया, बट आपके रिजल्ट्स के बेसिस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा,
मैं इस बार के रिजल्ट्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, इस बार के रिजल्ट पे मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए आपको साइंस कॉमर्स आर्ट्स या कुछ भी लेना हो आप अभी से डिफाइन कर लीजिए। रिजल्ट डजंट मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज योर ओन पोटेंशियल, आपकी विलिंगनेस क्या है, आपकी इच्छा क्या है, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए। तो चलिए एक लास्ट फाइनल, क्या सर हम अपनी बुक्स डोनेट कर दें? अरे भैया रुको रुको, इतनी जल्दी मत करो, आपकी स्कूल को ये डिसीजन लेने दो कि वो आपके मार्क्स किस तरह से आपको देने वाली है। क्या आपका वापस एक ऑनलाइन टेस्ट लेगी? कुछ स्कूल्स ले सकते हैं जिन्होंने पूरे साल में एग्जाम्स नहीं लिए होंगे या जिनके पूरे साल में एग्जाम्स ऑनलाइन रहे और स्कूल को भरोसा नहीं है, तो शायद आपकी स्कूल चाहेगी कि वो आपका एक और टेस्ट ले, एक एमसीक्यू का छोटा सा टेस्ट आपको ऑफलाइन बुला के ले ले। तो आपको अपनी स्कूल से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि क्या सच में आपका 10th खत्म हुआ है या अभी तक बाकी है। इसलिए प्लीज डोनेशन करने की ज्यादा जल्दी मत करना, किताबों को अपने पास रखो, अभी भी थोड़ा सा एडवेंचर आप लोगों की लाइफ में पेंडिंग है, अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोलर कोस्टर और आ सकता है। इसलिए प्लीज बिल्कुल जल्दी मत करिए। वैसे तो आई एम वेरी वेरी श्योर आप में से किसी को फेल तो नहीं किया जाएगा, आई एम ऑल्सो श्योर कि आपकी स्कूल शायद वापस एग्जाम्स नहीं लेगी, बट देन टू आई कांट डिफाइन ईच एंड एवरी वन ऑफ स्कूल्स ऑब्जेक्टिव। सो मेरा यही मानना है थोड़ा सा टाइम और रुकिए, राइट, वी हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान अगर आपके 10th के कुछ मेन सब्जेक्ट्स के मेन टॉपिक आपके क्लियर होने बाकी है, तो मैं आपसे 100% रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहिए किताब उठाइए, डरिए मत, कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम हो के नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपके लिए मार्क्स लाके देंगे कि नहीं लाके देंगे, फर्क ये पड़ता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं आता है। मतलब अगर आप आगे साइंस लेने वाले हैं तो प्लीज एक बार 10th और 9th की मैथ साइंस की बुक को घुमाइए, जहां क्लैरिटी नहीं है उन चीजों को क्लियर कीजिए। अगर आपको आगे आर्ट्स लेना है तो एसएस की इंग्लिश की किताबों को घुमाइए, अगर आप कॉमर्स लेने वाले हैं तो कॉमर्स में अपना करियर बनाना स्टार्ट कीजिए, बट अब थोड़ा सा किताबों को वापस से टाइम देना चालू कीजिए, वैकेशन मोड को अब एक बार के लिए थोड़े दिन के लिए ऑफ कर दीजिए और प्लीज अपने स्कूल को जाके कॉन्टैक्ट कीजिए कि हमारा फ्यूचर क्या है।